अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हफ्सा बट, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल एकेडमिक्स प्रोवाइडेड बाय मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 1 ऑफ ग्रेड 5, साइंस क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, आपके बुक के पेज नंबर 10 पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेंशन है, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स को दो मेजर बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक है वर्टीब्रेट एंड सेकंड है इनवर्टीब्रेट्स। सो वर्टीब्रेट्स क्या है? वो एनिमल जिनके पास बैकबोन मौजूद होती है, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं वर्टीब्रेट्स। और वो एनिमल जिनमें बैकबोन मौजूद नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं इनवर्टीब्रेट्स। वर्टीब्रेट्स को फर्दर 5 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, वो हैं पहले रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस। सो व्हाट आर रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स को पढ़ने से पहले आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज करते रहते हैं, जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं और उसको चेंज नहीं होने देते। इन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेप्टाइल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी स्किन थोड़ी रफ और स्केली होती है। ये दोनों पानी में और लैंड पर, दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। जस्ट लाइक क्रोकोडाइल, आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर पानी में रहता है। ये एनिमल्स एग्ले करते हैं एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मतलब ये वो एनिमल्स हैं जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ चेंज करते रहते हैं। दे आर मोस्टली हैव 4 लेग्स, लेकिन इनमें स्नेक एक ऐसा एनिमल है जिसके पास कोई लेग नहीं होती। तो स्टूडेंट, बर्ड्स जो हैं वो वर्टीब्रेट्स होते हैं जिनकी पूरी बॉडी फैदर्स से ढकी हुई होती है और उनके पास एक बीक होती है। रेप्टाइल्स की तरह इनके लेग्स जो हैं वो स्केली होते हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब ये अपने इन्वायरमेंट में जो उनका टेम्परेचर है उसके साथ अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करते। ये एग ले करते हैं ट्रीज पर, ग्राउंड पर, नेस्ट पर। और इसमें जो हमारे पास दो ऐसे बर्ड्स, कीवी एंड ऑस्ट्रिच, ऐसे बर्ड्स हैं जो कि उड़ने के लिए अपने विंग्स का इस्तेमाल नहीं करते। मोस्टली ज़्यादातर बर्ड्स की जो बोन होती हैं वो होलो होती हैं, जिसकी वजह से वो लाइट वेट हो जाते हैं और वो इनको हेल्प करता है उड़ने में। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा बर्ड है और उसका एग भी सबसे बड़ा होता है और वो सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाला परिंदा है। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।